हाय स्टूडेंट्स एंड वेलकम बैक टू बैंक एग्जाम स्टडी डॉट कॉम। तो स्टूडेंट्स, आज मैं कुछ पढ़ाने नहीं वाला हूँ। एक्चुअली एक लेक्चर मैं तो सुबह कर चुका हूँ और एक इंग्लिश का लेक्चर अभी होने वाला था, और शाम को मैं सिंपल एंड कंपाउंड इंटरेस्ट पढ़ाने वाला था। इन बिटवीन ये एक बहुत बड़ी प्रॉब्लम है मेरे लिए कि अमेज़ॉन पे मेरे एक स्टूडेंट ने मुझे मेल किया कि सर, आप अमेज़ॉन पे इतनी घटिया क्वालिटी की बुक क्यों बेच रहे हैं। तो मैंने उसे बताया कि अमेज़ॉन पे तो मैं कोई बुक नहीं बेच रहा हूँ, ना मैंने किसी को परमिशन दी है। तो मैंने क्या किया, आई वेंट टू अमेज़ॉन। अभी मैं अमेज़ॉन पे जाके दिखाता हूँ आपको। और मैंने रमनदीप सिंह सर्च किया तो भाई ये है, मुझे दिख गया रीजनिंग शॉर्टकट टिप्स एंड ट्रिक्स। हो सकता है कोई और रमनदीप हो जो रीजनिंग पे लिखता हो, कोई बड़ी बात नहीं है। मेरा कुछ बहुत कॉमन सा नाम है और मेरा नाम पे तो कोई कॉपीराइट नहीं है। हो सकता है कोई और रमनदीप हो यहाँ पे, तो चलिए कोई बात नहीं। तो मैंने क्या किया, इन्होंने अभी अपना दिया हुआ है थोड़ा डेमो, किंडल की बुक बनाई हुई है 50 रुपये की। तो ये देखिए, बैंक एग्जाम्स टुडे का सीधा आर्टिकल उठाए हैं, हमारी ही एक पीडीएफ, मैं आपको दिखाता हूँ रीजनिंग ट्रिक्स पीडीएफ। ये एक्चुअली फ्री ऑफ कॉस्ट अवेलेबल है, रीजनिंग की ट्रिक्स वाली पीडीएफ जो है, दिस इज़ अवेलेबल फॉर फ्री, फ्री में अवेलेबल है ये बुक। एंड यहाँ पे 50 रुपये ये चार्ज कर रहे हैं। मैं आप सब स्टूडेंट्स को ये रिक्वेस्ट करता हूँ कि ये जो बुक है बिल्कुल भी ना खरीदें, बिल्कुल भी ना खरीदें। ये बुक फ्री ऑफ कॉस्ट अवेलेबल है, अगर आप ध्यान से देखें रीजनिंग ट्रिक्स पीडीएफ जो है, सीधा सर्च करें, बैंक एग्जाम टुडे की साइट खुलेगी, पहला पेज आएगा एंड दिस इज है यू गो। तो ये रीजनिंग की बुक है एंड ये फ्री ऑफ कॉस्ट अवेलेबल है। अभी डाउनलोड हो रही है, थोड़ी 2.5 MB की फाइल है ये, तो डाउनलोड हो रही है। ये देखिए, ये सिंपल, एक्चुअली ये बुक भी थोड़ी सी पुरानी हो चुकी है, इसको अभी हम अपडेट कर रहे हैं, हम पूरी रीजनिंग की बुक अपडेट कर रहे हैं। जबकि ये जो रीजनिंग की बुक यहाँ पे डाली गई है, ये देखिए पब्लिक लिंक है, आपको भी प्रोवाइड कर दूंगा, डिस्क्रिप्शन में भी डाल दूंगा। ये हमारे जो नॉर्मल, इस पर मैं वीडियो भी एक बना चुका हूँ। एंड ये देखिए, ये सेम बुक जो है, मतलब हमारी एक्चुअली ब्लॉग की थोड़ी सी 7-8 अच्छी पोस्ट को हमने कंबाइन करके बुक बनाया था, तो उसी को ये 50-50 रुपये में बेच रहे हैं। एंड आई डोंट नो व्हाई, और मैंने अमेज़ॉन को कुछ एक मेल करी। सबसे पहले तो मैंने रिव्यू डाला कि सर ऐसे ऐसे, माय नेम इज़ रमनदीप सिंह, आई एम फ्रॉम बैंक एग्जाम्स टुडे डॉट कॉम एंड दिस बुक इज़ अवेलेबल फॉर फ्री। तो इसमें क्या बड़ी बात थी, अमेज़ॉन वालों ने बोल दिया भी जी नहीं, आपका हम रिव्यू पब्लिश नहीं करेंगे, कुड नॉट बी पोस्टेड, बिकॉज उन्हें लगा कि ये लिंक इन्होंने डाला है तो शायद स्पैम होगा, बट ये स्पैम नहीं था सर, ये मेरी साइट थी। चलिए कोई बात नहीं, आप में से बहुत सारे लोग कहेंगे सर यूट्यूब पे क्यों आ रहे हैं, आप अमेज़ॉन को फ़ोन कीजिए। वो मैंने किया, 4 बार किया एक्चुअली। तो सबसे पहले तो मेल किया इनको, वी रिव्यूड योर रिपोर्ट एंड डिटरमाइंड दैट इट इज़ इनकम्प्लीट। ये कहते हैं कि आप प्रूफ कीजिए पहली बात कि ये किताब आपकी लिखी हुई है। सर जी, पहली बात तो ये किताब है ही नहीं, इसका कोई, ये मेरे से मांग रहे हैं ASIN और URL, ऐसा कुछ URL मैंने आपको दिया है, आप वो मान ही नहीं रहे हैं कि वो बुक है। अभी आई डोंट नो ये मुझसे क्या मांगना चाहते हैं, आइडेंटिफिकेशन, मतलब मुझे समझ में नहीं आ रहा। इन्होंने ASIN नंबर जो है, एक जिस बंदे ने, एक्चुअली मेरा नाम भी कैसे कोई यूज़ कर सकता है। सबसे बड़ी बात है कि अगर आपके प्लेटफॉर्म पे कोई सेलर आता है, अगर तो कोई फिजिकल कंटेंट बेचता है, आप उससे क्या क्या मांगते हैं, उसका VAT नंबर, सब भी कुछ मांगते हैं। आजकल GST का नंबर आप मांग रहे हैं, सबसे पहला सरकार ने बोल के रखा हुआ है कि ऑनलाइन प्लेटफॉर्म से, हम लोगों ने खुद ने GST का नंबर ले रखा है, 18% टैक्स दे रहे हैं। चाहे आप 1 लाख रुपये की सेल कर रहे हैं, अगर मैं कर रहा हूँ तो GST का नंबर लेना पड़ेगा, 18% देना पड़ेगा। तो ये डिजिटल बुक्स बेच रहा है, ई बुक्स बेच रहा है, और इस भाई साहब के पास ऑब्वियसली कोई GST का नंबर तो होगा नहीं, क्योंकि मेरे नाम से बेच रहा है, और मेरा GST का नंबर इसके पास कैसे आएगा। तो आई डोंट नो, अमेज़ॉन पे स्कैम हो रहा है ये बिल्कुल। उसके बाद मैंने अमेज़ॉन को तकरीबन 4 कॉल्स किए हैं, इनके कस्टमर केयर पे कॉल किया, 2 बार मेल्स किया, और पिछले 4 दिनों से इंस्टेड की मैं अपनी बुक पे काम करूं और आपकी वीडियोस पे काम करूं और आर्टिकल्स पे काम करूं, एप्लीकेशन पे काम करूं, इतने सारे काम है, और हम बहुत कम लोग हैं, हम ज़्यादा एक बड़ा कंपनी नहीं है हमारा, हम तो 4 टीचर मिलके काम करते हैं, और उसमें हमें ये सब करना पड़े तो ये हमसे नहीं हो पाता। अमेज़ॉन जैसी बड़ी कंपनी को अभी मैं लीगल नोटिस भेजने बैठूँ तो ये मेरे लिए पॉसिबल नहीं होता गाइस। सी, अगर आप चाहें तो ये बात मेरी अमेज़ॉन तक लेकर जा सकते हैं,
प्लीज़ इस वीडियो को एक बार शेयर कीजिए। और अमेज़ॉन वालों को मैं ये बताना चाहता हूँ, सी गाइस, मेरे पास इतने पैसे तो नहीं हैं कि मैं आपके पास जिस लेवल का लॉयर होगा मैं उस लेवल का लॉयर नहीं हायर कर सकता। आपके पास एक पूरी फौज है लॉयर्स की, हमारे पास तो नहीं है जी। हम तो सिंपल से टीचर्स हैं, हम आपको दो चार बार फ़ोन कर सकते हैं, दो चार बार ईमेल कर सकते हैं। और प्लीज़ ये बुक को हटा दीजिए, आप क्यों नहीं हटा रहे हैं मेरी समझ से बाहर है। एक बंदा दूसरे बंदे का नंबर देता है, फिर दूसरे का तीसरे का दे देता है, फिर चौथी हेल्पलाइन, फिर पांचवी हेल्पलाइन, आधा आधा घंटा आपसे वही मैं चीज़ें आपको बार बार बता रहा हूँ। अगर मुझे लगा कि बार बार एक ही चीज़ मुझे चार बार बतानी पड़े तो सबसे बेटर तो यही है मैं रिकॉर्ड करके आपको सुना देता हूँ, आप सुन लो, 100 लोग और सुन लेंगे, कम से कम 100 लोग तो सुनेंगे। तो ये फ्रॉड तो मत, आप चलिए अमेज़न फ्रॉड नहीं कर रहा, अमेज़न की कोई इंटेंशन नहीं है फ्रॉड करने की, लेकिन ये आपका प्लेटफॉर्म है, अगर इस प्लेटफॉर्म को कोई मिस यूज़ कर रहा है और अगर उससे मुझे कोई नुकसान होता है तो उसके लायबल आप हैं सर, क्योंकि जो बंदा बेच रहा है वो तो मेरा नाम लेकर बेचने लग गया ना, उसका तो कुछ नहीं गया, जाए ना आपका जाएगा, आप भी दो चार दिन में रिमूव कर दोगे। लेकिन जो स्टूडेंट्स, कुछ एक स्टूडेंट्स ने जो परचेज़ किया है या कुछ एक स्टूडेंट्स ने जाकर वहाँ उसका सैम्पल देख लिया बुक का, उनका जो एक भरोसा उठ जाता है, वो कहते हैं कि ये बुक बनाते हैं ये रमनदीप सर, वैसे तो बड़ी बड़ी बातें करते हैं, ये बुक है आपकी सर। तो प्लीज़, मेरा नाम इतना नाम नहीं है, मुझे इतने ज़्यादा लोग नहीं जानते, लेकिन सर ये मेरा प्रोफेशन है और पिछले 5 साल से मैं बुक्स लिख रहा हूँ। वीडियोज़ तो मैंने चलो रिसेंटली शुरू करी हैं, लेकिन 5 सालों से मैं काम कर रहा हूँ और मुझे बिल्कुल अच्छा नहीं लग रहा है ये सब करते हुए। अभी ये वीडियो बनाते हुए बिल्कुल अच्छा नहीं लग रहा। मैं चाहता था कि मैं सिंपल एंड कंपाउंड इंटरेस्ट पे वीडियो बनाऊँ, मैथ्स की वीडियो बनाऊँ, ऐसी वीडियोज़ मैंने लाइफ में पहली बार बनाई है, एंड लिटरली मैं नहीं चाहता कि मैं ऐसी वीडियोज़ बनाऊँ दोबारा। तो आपको, अमेज़ॉन को एक रिक्वेस्ट करना चाहता हूँ कि प्लीज़, कोई भी सेलर किंडल पे कभी भी कोई बुक डालता है, कोई भी बुक अपलोड करता है, बेचना चाहता है, तो प्लीज़ वेरीफाई कीजिए कि क्या उसके पास राइट है वो बेचने का। आप उसका पूरा डिटेल लीजिए ना, जीएसटी का नंबर लीजिए सबसे पहले, तो क्या उसके पास जीएसटी का नंबर है, क्योंकि आप अपने प्लेटफॉर्म पे लिख के लगाया कि जीएसटी के नंबर के बिना हम सस्पेंड कर देंगे अकाउंट, और ऊपर से ये सब चीज़ें हो रही हैं, इतना अच्छा प्लेटफॉर्म है और इतना मिस यूज़ हो रहा है उसका, तो मैं बहुत हैरान हूँ सर। तो आप स्टूडेंट्स क्या कर सकते हैं मेरे लिए, इस वीडियो को अपने फ्रेंड्स के साथ शेयर कीजिए, फेसबुक पे कीजिए या ट्विटर पे कीजिए, और अमेज़ॉन को, इंडिया को टैग कीजिए। ये मेरे लिए स्टूडेंट्स बहुत ज़रूरी है। अगर आप पिछले 2 महीने से मेरी वीडियोस देख रहे हैं, फ्री ऑफ कॉस्ट देख रहे हैं, मैं आपको फ्री में पढ़ा रहा हूँ, आपके जो क्वेश्चन फ्री में सॉल्व कर रहा हूँ, ये गुरु दक्षिणा अगर आप मेरे को देना चाहते हैं तो ये है आज। आप अमेज़ॉन इंडिया को टैग कीजिए और इस वीडियो को अपनी फेसबुक वॉल पर शेयर कीजिए या ट्विटर पे शेयर कीजिए या व्हाट्सएप पे कहीं पे भी शेयर कीजिए, और अमेज़ॉन इंडिया को एक बार टैग ज़रूर कीजिए ताकि उन्हें पता चले कि ये जो हर कर रहे हैं वो मुझे इग्नोर कर रहे हैं, हम लोगों को इग्नोर कर रहे हैं, हमें बहुत नुकसान हो रहा है। अगर मुझे इस तरह से नुकसान होगा, अगर मेरी बुक्स ऐसे लोग ऐसे ही नेट पर फ्री में डाल देंगे, तो स्टूडेंट्स मैं काम क्यों करूँगा? मेरा काम करने का फ़ायदा क्या है? मेरा नाम ख़राब हो जाएगा, तो अगर नाम ही ख़राब हो गया तो काम क्या करेंगे ना। तो स्टूडेंट्स, अगर आप मेरी हेल्प करना चाहते हैं, कुछ नहीं पे करना चाहते, इट्स ओके। अगर आपके पास पैसे नहीं हैं मत दीजिए, बट ये आप कर सकते हैं, अपनी फेसबुक वॉल पे इसको शेयर कीजिए वीडियो को, चाहे ये जो इंसिडेंट मैं आपको बता रहा हूँ इसी को कर दीजिए। अमेज़ॉन पे जाके, amazon.in पे जाके रमनदीप सिंह सर्च कीजिए, आपको पता चल जाएगा कि क्या हो रहा है, ये बहुत गलत हो रहा है मेरे साथ, एंड मैं आपकी हेल्प चाहता हूँ। थैंक यू।